औरैया के दिव्यारपुर की रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा नेहा कुशवाहा ने शिक्षक मनीष कुमार के मार्गदर्शन में 3 साल पहले 2015 में 7 मार्च से अपनी पौधारोपण मुहिम की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत अब तक 1757 पौधे रोपित किए गए हैं। नेहा ने शुरुआती दौर में मनीष कुमार के मार्गदर्शन में पूर्वजों की याद में पौधारोपण अभियान के तहत केवल अपने खेत के एक कोने की भूमि पर पवित्र पेड़ नाम से पौधों का रोपण किया। उसके बाद गांव-गांव सर्वे करके लोगों को पौधारोपण करने के लिए जागरूक किया। नेहा कुशवाहा ने बताया कि अपने पिताजी के सहयोग से गांव-गांव जाकर लोगों को बताती थी कि जब किसी शव को लकड़ी से जलाया जाता है तो लगभग 4 क्विंटल लकड़ी जल जाती है, जिसमें करीब 734 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में 60% तक उत्तरदायी है। साथ ही प्रयुक्त भूमि की उर्वरता भी घट जाती है, जबकि एक पेड़ अपने जीवन काल में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। अतः संतुलन के लिए एक शव को जलाने के बाद उस मृत आत्मा की याद में एक पौधा लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। पूरे औरैया जनपद में 46 गांवों का सर्वे करना, घर घर जाकर के सर्वे करना, फिर उनको निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराना काफी कठिन काम था। उस समय मई जून के महीने में हम स्वतः लेके जाया करते थे, मनीष जी भी लेके जाया करते थे। तो इस तरीके से ये जो छोटी सी मुहिम आज एक बहुत बड़ा अभियान का रूप ले चुकी है। अब तो चाहे किसी भी अवसर पर, चाहे वो जन्म हो, जन्मदिन हो, किसी भी अवसर पर हो, नेहा कुशवाहा को पौधा भेंट करना ही करना है। अगर और अभी 18 अप्रैल को शिवराज सिंह हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनके बेटा अनुराग की तिलक समारोह था, तब जो लगुनिया लोग आए थे, सभी 75 लोगों को एक एक पौधा दान किया था। उसमें हमारे इटावा जनपद के पूर्व सांसद माननीय रघुराज सिंह साग जी भी आए थे और उन्हीं को एक पौधा दान करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और अभी पृथ्वी दिवस पर 22 अप्रैल को नव वरवधु को नेहा कुशवाहा ने एक पौधा भेंट किया था। और इसी क्रम में लगातार कार्यक्रम चलता ही रहता है इनका। क्योंकि जब मैं कक्षा 4 में पढ़ती थी तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं एक दिन अपने गांव जगमोहनपुर में गई, तो वहाँ पे मैं एक पास के बाग में खेल रही थी। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि वहाँ मत जाना, वहाँ भूत रहता है। लेकिन उत्सुकता बस मैं वहाँ गई तो देखा वहाँ कुछ राख पड़ी हुई थी, तो पूछने पर पता चला कि यहाँ कई वर्ष पहले एक शव जलाया गया था। तो अभी 2015 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभा करने के दौरान मुझे उसी रिक्त पड़ी भूमि पर एक पौधा लगाने जाने का विचार आया। तो इस चीज को मैंने अपने गाय टीचर मनीष कुमार जी से शेयर किया, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हाँ, हम इस पर काम कर सकते हैं। और इस तरह से हमने जिले भर में सर्वे किया, लोगों को गांव-गांव जाकर के समझाया और अब तक हम 1757 पौधे रोपित कर चुके हैं। कितने लोगों को आप पौधे देते हैं? हम जो जैसे पहले तो शुरुआती दौर में ये था कि हम पूर्वजों की याद में सिर्फ और सिर्फ पौधरोपण करते थे, लेकिन अब चाहे मुझे कोई शुभ अवसर या कोई अशुभ अवसर पर बुलाता है तो मैं वहाँ पे उन्हें पौधे देती हूँ और फिर उपयोग करवाती हूँ। क्योंकि पौधे ही हमारा जीवन है, पौधे ही हमारे सांसें हैं। हम पौधे हमारे बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। नेहा ने बताया कि मेरे लिए गाँव के लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक करना एवरेस्ट में फतह करने के समान रहा। वहीं कुछ लोगों ने हमारे कार्य में जागरूक होकर अपनी निजी भूमि पर भी अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण किया और उन्हें भी हमने निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, औरैया।